वेलकम फ्रेंड्स, आज आपकी ट्रिकी मैथ की क्लास एक बार फिर से नए सिरे से और क्रैश कोर्स के रूप में होगी। देखिए, इसके पहले जब ये क्लासें चल रही थी तो आप लोगों ने बहुत कुछ सीख लिया था। थोड़ा दिन लाइव क्लास बंद थी ट्रिकी मैथ की, लेकिन जिन लोगों ने ज्वाइन किया उनको वीडियो क्लास मिल रही थी। इसमें से कुछ लोगों की शिकायत भी आ रही थी, जिसके लिए माफी चाहते हैं, क्योंकि वो लाइव क्लास चाहते थे, उनको समझ में कम आ रहा था उसमें। तो आज से आपकी शुरू हो जाएगी ये क्लास। ध्यान दीजिएगा, टाइम एंड वर्क में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि हर बार आपके परीक्षा में आते हैं, और आपको आता तो है वो क्वेश्चन, लेकिन टाइम मैनेजमेंट की वजह से आप उसको छोड़कर चले आते हैं, क्योंकि एग्जाम में सवाल हल करने का नंबर नहीं मिलता है, गोला भरने का नंबर मिलता है, और गोला जितनी जल्दी आप भर देंगे उतना जल्दी आपका काम हो गया। देखिए, जो हम इसमें क्वेश्चन शामिल करेंगे उसको आप आधा मिनट, 20 सेकंड, 10 सेकंड में करेंगे, वही तरीका आपको बताने वाले, इसलिए इस क्लास में पूरे टाइम बने रहिएगा। 10-15 मिनट की क्लास होगी, मुश्किल से, बहुत बड़ी नहीं होगी, तो 15 मिनट हमारे साथ रहिएगा। देखिए, क्या देखेंगे, कॉन्सेप्ट पहले देखेंगे, फिर सवाल देखेंगे। सवाल किस टाइप का होगा आपको बता दें, जैसे आ जाता है पेपर में कि पी और क्यू कोई काम को 12 दिन में करते हैं, मतलब पी जो है 12 दिन में करता है, क्यू उसको 18 दिन में करता है। यदि क्यू बीच में 4 दिन गायब कर दिया और फिर आया, काम किया, फिर चला गया, और क्यू जो है 2 दिन काम किया, गायब हो गया, बीच बीच में गायब होते हैं और फिर आते हैं, काम करते हैं, तो काम कितने दिन में होगा? ये बड़ा झंझट वाला क्वेश्चन होता है। अभी देखिएगा, मैं आपको दिखाऊंगा। पहले कॉन्सेप्ट देखिए, अल्टरनेट डे क्या होता है, जैसे एक दिन को छोड़कर एक दिन, जैसे मानते हैं कि पी जो है मंडे को काम किया, ट्यूजडे को नहीं किया, फिर वेडनेसडे को किया, थर्सडे को नहीं किया, फिर फ्राइडे को किया, इस तरह से होता है। इसका मतलब होता है अल्टरनेट डे, ठीक है। इसमें आपको क्षमता याद करना, समझना बहुत जरूरी होता है। देखिए, जैसे ऐसे आता है क्वेश्चन, उसमें रहता है कि रमन कोई काम को 10 दिन में पूरा करता है, और जो उसका साथी है इनकी रोहित, वो उसी काम को 5 दिन में करता है। तो इसमें पहले आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि आखिर इन दोनों की कार्य करने की क्षमता क्या है। जैसे कहा जाए कि रमन कोई कार्य को 10 दिन में करता है और उसका साथी रोहित उसी काम को 5 दिन में करता है, तो अब आप यहां समझिएगा ध्यान से, रोहित और रमन दोनों काम कर रहे हैं, कुल काम कितना है 10, ये कैसे आएगा? आप लोग इसको हल करते समय हम आपको तरीका बताएंगे, दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे, जो कि काम कर रहेगा वो, जैसे 5 और 10 का एलसीएम 5 है, 10 आ गया, ये कुल काम हो गया। अब आप क्या करोगे, कुल काम कैसे निकलेगा? वैसे तो अगर आप अनुमान लगाइए तो कोई काम 10 दिन में कर रहा है, इसका मतलब एक दिन में एक काम हो रहा है, 10 दिन में 10 काम हो रहा है, कोई काम ये 5 दिन में कर रहा है, इसका मतलब एक दिन में 2 काम कर रहा है, 5 दिन में 10 काम हो जा रहा है, ठीक। तो इस तरह से जो रोहित की कार्य करने की क्षमता है एक दिन की, वो क्या है, एक काम। जैसे कोई किताब पढ़ रहा है तो रोहित एक दिन में एक किताब पढ़ सकता है, और जो रमन है यानी कि उसका दोस्त, देखिए रोहित और रमन में थोड़ा सा यहाँ पर नाम में गड़बड़ है ना, ये ऊपर होना चाहिए और नीचे, क्योंकि वहां पे रमन था, तो आप यहाँ पर रमन लिख लीजिए, यहाँ पर रोहित, मतलब कॉन्सेप्ट समझिएगा बस। तो रोहित की क्षमता 2 कार्य करने की है, यानी कि 2 किताब पढ़ सकता है एक दिन में, ये एक दिन में केवल 1 किताब पढ़ेगा। अब कॉन्सेप्ट आपका हो गया होगा, तो हम क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए, यहाँ पर कुछ सवाल आपके परीक्षा में ऐसे आ जाते हैं जो बहुत ही छोटे होते हैं, लेकिन बहुत ही छोटे होते हैं, ध्यान से समझिएगा, बहुत एकदम आसान है। राजू और सोनू कोई कार्य को 15 दिन में पूरा कर रहे हैं, लेकिन यदि वह एक दिन छोड़कर काम कर रहे हैं, मतलब जिस दिन राजू काम करता है उस दिन सोनू की छुट्टी होती है, जिस दिन सोनू काम करता है उस दिन राजू की छुट्टी होती है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। यदि वह कार्य को एक दिन छोड़कर करे तो 10वें दिन कौन कार्य करेगा, जबकि कार्य को सोनू ने शुरू किया था। कहने का मतलब है टोटल इन लोगों को 15 दिन काम करना है, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, ऐसे ऐसे कितना दिन करना है, 15 दिन करना है। तो कह रहा 10वां दिन जो आएगा बीच में कहीं, उस दिन कौन काम करेगा, लेकिन काम को शुरू किया था कौन, सोनू ने किया था। ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको बहुत ही समझने की जरूरत यह है, अगर ये 15 दिन के जगह 50 दिन हो जाता या 60 दिन हो जाता तो आपको जोड़ना पड़ता, पेपर में जोड़ने का टाइम नहीं होता है। सवाल देखते आपको उत्तर बता देना है कैसे। देखिए, काम को सोनू ने शुरू किया, सोनू किसके स्थान पर है, ये विषम स्थान पर है, इसके बाद राजू काम करेगा अगले दिन, यानी कि वो किस स्थान पे है, सम स्थान पर है, कौन है, राजू सम स्थान पर है। आपसे 10वां दिन पूछा गया तो आप क्या करोगे, 10वां दिन मतलब
दस नंबर क्या है भाई? सम संख्या है ना, ये सम संख्या है, इसका मतलब राजू काम करेगा। आपने क्वेश्चन देखा, फट से आपको उत्तर आ गया, समझ गए ना, आ जाएगा ना। मतलब क्वेश्चन देखिए, उत्तर आपके दिमाग में तुरंत क्लिक हो जाए, क्योंकि एग्जाम में गोला भरने का नंबर आपको मिलता है, तभी कुछ कल्याण होने वाला है। अगला देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है, बहुत ही आसान है। कह रहा कि रवि और किशन, देखिए मूवी वाले नहीं, रवि और किशन कोई दो काम करने वाले हैं, कोई काम को 9 और 12 दिन में करते हैं। कहने का मतलब ये है कि रवि और किशन, यानी कि रवि उस कार्य को 9 दिन में और किशन उस कार्य को 12 दिन में करता है, ठीक है। रवि कितना टाइम लगाता है, रवि यहाँ पर आप लिख लीजिए, रवि उस काम को कितना दिन में करता है, 9 दिन में, और किशन कितना दिन में कर रहा है उसी काम को, 12 दिन में करता है ना। लेकिन कंडीशन है कि दोनों एक साथ काम नहीं करते हैं, काम को रवि शुरू कर रहा है। कह रहा है यदि काम को रवि शुरू करे और दोनों एक दिन छोड़कर काम करें तो कार्य कितना दिन में होगा। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, सवाल नंबर ये दूसरा है, आप कमेंट करके बताइए कि 2 का ए सही है कि 2 का बी कि 2 का सी। जिसको नहीं आएगा ओ एन ओ नो लिखेगा, लेकिन कमेंट हर कोई करेगा, और आपको इस क्लास के बारे में फीडबैक अवश्य देना है, ठीक है। कैसी लगी आपको क्लास बताइएगा, लेकिन देखते रहिए। आप कैसे करेंगे, दोनों का जो दिया था हमने लिख लिया, अब हमें ये देखना है कि आखिर काम कुल कितना है, क्योंकि यहाँ ये तो नहीं कहा काम कितना है, कह रहा कि रवि और किशन काम को 9 और 12 दिन में करते हैं, तो कुल काम निकाल लेते हैं। कुल काम के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आप जानते होंगे 12 9 का एलसीएम आएगा 36। 36 ये क्या है, ये कुल कार्य है, यानी कुल मिला करके टोटल 36 काम करना है। अब कितना दिन में होगा ये देखना है। अब हम देखेंगे इन दोनों की क्षमता क्या है काम करने की, भाई कुल काम 36 है और ये एक दिन काम करते एक दिन छुट्टी पे रहते हैं, तो कितना टाइम लगेगा। तो पहले क्षमता देखेंगे ना कि एक दिन में कितना करते हैं, अगर एक दिन में ये दो काम करता होगा तो अकेले करेगा तो ये कितना कर जाएगा भाई, 18 दिन में कर जाएगा, लेकिन दो लोग हैं तो पहले देखते क्षमता क्या है। 9 से इसको भाग करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा ना, कितना आएगा 9 चौक 36, ध्यान दीजिएगा, इससे इसमें आप भाग करके काम निकालेंगे, ये ट्रिक है, बेसिक नहीं है। तो 4 आ गया, क्या आ गया, 4 कार्य, यानी कि एक दिन में करता है, मतलब जो रवि है वो एक दिन में 4 कार्य करता है। 12 से इसको भाग करोगे क्या आएगा, 3 आएगा, 3 कार्य, यानी कि जो किशन है वो एक दिन में क्या करता है, एक दिन में 3 काम करता है। अब ध्यान दीजिएगा, ये एक दिन में 4 काम करता है, एक दिन में कितना करता है, 3 काम करता है, तो 2 दिन में कितना काम होगा, 2 दिन में कितना काम होगा, ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पे लिख देता हूं रवि और ये हो गया किशन। अब रवि एक दिन में 4 कर रहा है, ये कर रहा है 3, यानी दोनों जोड़ देंगे तो ये हो गया क्या, 7 काम, और कितना दिन में हुआ, ध्यान दीजिएगा, ये 2 दिन में हो रहा है, 2 दिन में, क्यों, क्योंकि दोनों एक साथ काम नहीं कर रहे, जिस दिन ये करता है वो छुट्टी पे रहता है, वो करता है वो छुट्टी पे रहता है, यानी 2 दिन में 7 काम हो गए, ठीक। कुल काम कितना है, 36। अब हमें ऐसा कुछ करना है कि 36 काम हो जाए, क्योंकि 7 काम आ रहा है, तो आप 7 में ऐसा कुछ गुणा भाग करिए जिससे 36 हो जाए या 36 के आसपास आ जाए। तो क्या कर सकते हो इसके लिए, इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं कि 7 में कुछ ऐसा गुणा करिए कि 36 के आसपास आए, तो इसको हम 5 से गुणा कर सकते हैं, किससे, 5 से। तो अगर इसमें हम 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 35 कार्य, है ना। 5 से इसमें गुणा करेंगे तो भाई इसमें भी तो करेंगे, दिन में भी तो करेंगे, तो जब आप दिन में तो 5 से गुणा कर लोगे तो ये हो जाएगा 10 दिन। देखिए बहुत नजदीक हम लोग पहुंच चुके हैं काम के, अब कैसे भाई, इसमें भी गुणा किया 5 से, इसमें भी किया, यानी 10 दिन में 36 काम हो रहा है। 10 दिन में कितना काम हुआ, 36 काम हुआ, ध्यान से समझिएगा। अभी एक प्रॉब्लम है, कुल काम 36 था, काम 10 दिन में कितना हुआ, 35 हुआ, सॉरी मैंने 36 बोला तो 35 काम हुआ, एक काम बच रहा है। अब वो काम कौन करेगा, ये कंडीशन है, उस काम को कौन करेगा, एक काम बच रहा है, एक काम मतलब 10 दिन में इतना काम हो गया 35, 11वें दिन बच रहा है ना, 11वें दिन कोई काम करेगा तभी तो एक काम होगा। तो आप बताइए 11वें दिन काम कौन करेगा, 11वें दिन कौन काम करेगा, इसको यहीं पर याद रखिएगा, हम आगे लेके चलते हैं आपको। 11वें दिन कौन काम करेगा, इसको याद रखिएगा,
इसको हम आपको अभी थोड़ा बाय करके लिख लीजिएगा, ठीक है? जो मिटा दिया है थोड़ा सा मिटाया, बस 11 दिन कौन काम करेगा? देखिए कुल ये लोग क्या करते हैं, 9 और 12 दिन में काम कर रहे हैं। काम को कौन शुरू कर रहा है? अगर काम को रवि शुरू कर रहा है, इसका मतलब अभिषम विषम आपने शुरू में देखा था, रवि कौन से स्थान पर है? विषम स्थान पर है। किशन सम स्थान पर है, है ना? किशन क्या है? सम स्थान पर है, ध्यान समझिएगा। तो काम को रवि ने शुरू किया था, यानी कि रवि विषम पे है, तो 11वें दिन भी रवि काम करेगा। 11वें दिन कौन काम करेगा? 11वें दिन इक्वल कौन करेगा? रवि काम करेगा। 11वें दिन रवि काम करेगा, और काम कितना करना है? केवल एक काम करना है। कितना करना है? एक काम करना है। तो कितना टाइम लेगा वो, कितना दिन लेगा एक काम के लिए? उसकी क्षमता कितनी है? रवि की क्षमता एक दिन में 4 कार्य करने की है। कितना? 4 कार्य, एक दिन में 4 काम करता है। तो एक काम कितना दिन में करेगा? अगर एक दिन में वो 4 काम करता है, एक दिन बराबर 4 कार्य, ठीक है? तो एक कार्य बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 दिन। मतलब अगर एक दिन में वो 4 काम कर लेता है, तो एक कार्य बराबर कितना दिन में करेगा? 1/4 दिन में करेगा। मतलब आप समझ गए होंगे, आप 10 दिन लग रहा है 35 काम करने में, और एक काम करने में 1/4 दिन लग रहा है। सबसे आसान तरीका है इस 1/4 को इस 10 के बगल में, यहां से दिन मिटा देते हैं, ला करके रख दो 1/4, यानी कि 10 सही 1/4 ही आपका हो गया उत्तर। यहां से आप एक जगह फिर लिख लीजिए, अच्छे से दिखाई पड़े आपको, 10 सही 1/4 दिन। ये देखिए कितना जल्दी आ गया। कॉन्सेप्ट को समझाने में 2 के बदले 10 मिनट लग जाएगा, लेकिन अगर आप इसको समझ गए होंगे तो आप इसको आधा मिनट में कर ले जाएंगे। कमेंट करके बताइएगा इसमें क्या सुधार किया जाए, अगर कोई दिक्कत महसूस हुई तो कमेंट अवश्य करिएगा, हम इसमें सुधार करेंगे। अगला सवाल आप खुद से करके लेकर के आएंगे, बस देखते रहिए हमारे साथ, कहीं मत जाइएगा, पीवीआर स्टडी के साथ बने रहिएगा। वो सवाल कम समझ में आए कोई बात नहीं, ये बिल्कुल आएगा, पक्का आएगा। उसी तरह का ये ध्यान दीजिएगा, ए और बी कोई काम को 8 व 18 दिन में करते हैं, मतलब ए उस काम को 8 दिन में करता है, बी उसी काम को 18 दिन में करता है। कह रहा है यदि काम को ए ने शुरू किया, जिसने शुरू किया उसको बहुत जरूरी याद रखना, ध्यान दीजिएगा लास्ट में काम लगता है। यदि काम को ए ने शुरू किया और वो दोनों एक दिन छोड़कर काम करें, मतलब जिस दिन ए काम करेगा बी छुट्टी पर रहेगा, जिस दिन बी काम करेगा उस दिन ए छुट्टी पर रहेगा, तो काम कितने दिन में पूरा होगा? पहले जो दिया उसे लिख लो सिंपल में, ए उस काम को कितना दिन में करता है और बी कितना दिन में करता है, 8 और 18 दिन, मतलब ये 8 और ये 18 दिन में। अब ये देखिए कुल काम कितना है, 8 18 का एलसीएम निकाल लीजिए, 72 आएगा, 72 आएगा, निकाल करके देख लीजिएगा, अगर कोई कंफ्यूजन लगेगा तो बता दीजिएगा। मतलब कुल काम है ये, ध्यान दीजिएगा ये क्या है, कुल कार्य, मतलब समझिएगा, क्योंकि यहां कुल कार्य नहीं दिया था। अब हमें ये समझ में आ गया कि कुल 72 काम करना है, जैसे मान लेते हैं 72 पेज किताब पढ़ना है, 72 मेज बनाना है, 72 खिलौने बनाना है, कुछ भी करना है, 72 काम है, ठीक है? तो आप देखिए एक दिन में ये बंदा कितना काम कर रहा है और ये कितना काम कर रहा है, आप 8 से इसको भाग देंगे क्या आएगा, 9, मतलब 9 कार्य एक दिन में, ठीक है? एक दिन में, यानी ए जो है वो एक दिन में 9 काम कर रहा है, इसको आप भाग दोगे 8 से कितना आएगा, 4, यानी कि 4 कार्य, मतलब एक दिन में जो बी है वो 4 काम कर पाता है। जैसे किताब पढ़ना है तो एक दिन में ए 9 किताब पढ़ जाता है, जबकि बी जो है एक दिन में केवल 4 किताबें पढ़ पाता है, ये ध्यान समझिएगा। आप देखिए कुल 72 किताब पढ़ना है, तो दोनों मिल करके पढ़ रहे हैं, लेकिन जिस दिन ये पढ़ता है ये नहीं पढ़ता, जिस दिन ये पढ़ता है इस दिन ये नहीं पढ़ता, यही लग रहा है, ध्यान दीजिए। तो ए और बी ये 4 काम करता है एक दिन में, 3 करता है, यानी कि सॉरी 9 और 4 है ना, 9 है और ये क्या है, 4 है, यानी टोटल कितना, ये 9 4 कितना हो जाएगा, 13, कितना दिन में, ये 13 काम करते हैं, 13 काम कितना दिन में, 2 दिन में करते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये दोनों साथ कभी काम नहीं करते, वो करता है तो वो छुट्टी पे रहता है, यानी कि ये कुल मिलाकर के 2 दिन में कितना काम कर रहे हैं, 13 काम कर रहे हैं, टोटल काम है 72। अब ऐसा कुछ करिए कि 72 हो जाए, 72 कैसे होगा, 72 कार्य हो जाए,
13 में आप कुछ गुणा करिए या भाग करिए, 13 में अगर हम 5 से गुणा कर देते हैं तो 65 आ जाएगा, मतलब 65 कार्य कितना दिन में होगा, इसमें भी तो आप 5 से गुणा करोगे फिर ना, तो ये बराबर क्या हो गया 10 दिन, यानी 10 दिन में 65 काम पूरा हो जा रहा है। कितना काम बच रहा है, 7 काम बच रहा है, कितना बच रहा है 7 काम बच रहा है। अब ध्यान दीजिए कितना काम बचा 7, तो लास्ट में कौन काम करेगा, मतलब 10 दिन हो गया, 11वें दिन कौन काम करेगा, 11वें दिन कौन काम करेगा, गौर से समझिएगा 11वें दिन कौन काम करेगा, जल्दी बताइए कमेंट करके। काम को शुरू किया था ए ने, तो ए था किस स्थान पे, विषम स्थान पे था ना, ए विषम स्थान पे था, तो काम भी 11वें दिन कौन करेगा, ए ही करेगा। और ए एक दिन में क्या करता है, 9 काम करता है, कितना काम करता है 9 काम करता है, मतलब ए जो है एक दिन में कितना करता है 9 काम करता है ना। तो इसकी क्षमता कितना है, क्षमता इसकी कितना है भाई, एक दिन में 9 काम कर रहा है, एक दिन में 9 काम करने की क्षमता है, तो इसको क्या करना है, 9 7 कार्य करना है ना, ध्यान दीजिएगा यहां पर 7 काम करना है इसको। अब टाइम जो है वो कितना लगेगा, एक दिन में ये 9 काम करता है लेकिन काम केवल 7 ही बचा है, केवल 7 काम बचा है ना, तो 7 काम बचा है तो कितने दिन में कर ले जाएगा ये भाई, एक दिन में 9 काम कर लेता है, काम कम है तो 7/9 दिन में कर ले जाएगा है ना, कितना दिन में 7/9 दिन में उस काम को कर ले जाएगा, समझ गए। अब आप क्या करोगे, जो उधर आया था 7/9 उसको इसी के बगल में ला करके रख दो, बस हो गया। ये देखिए 10 सही 7/9 कितना आया, 10 सही 7/9 दिन, यानी कि उस काम को करने में 10 सही 7/9 दिन लगेगा। अपने विचारों को इस क्लास के बारे में अवश्य कमेंट करिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको ये क्लास कैसी लगी, हम आपके जवाब की प्रतीक्षा करेंगे, उसके बाद आपको अगली क्लास और अच्छे से देंगे, इसी तरह का आप एक और क्वेश्चन करके लेके आइएगा जिसे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, और कमेंट अवश्य करिएगा सवाल को हल करके, इस वीडियो में आकर के कमेंट करिएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग खुद करके लेके आएंगे अपने समझ बूझ के आधार पर, सेम वैसे लगेगा। पी और क्यू कोई काम को 7 व 12 दिन में करते हैं, यदि कार्य को पी ने शुरू किया और दोनों एक दिन छोड़ करके काम करते हैं तो काम कितना दिन में पूरा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब अवश्य कमेंट करिएगा, 5 का ए सही होगा कि 5 का बी या 5 का सी या 5 का डी, ऐसे कमेंट करिएगा। 5B, 5C, 5B ऑप्शन इधर दिए गए हैं। और आपको एक बात बता दें, अगर आप डेली रेगुलर क्लास चाहते हैं NTPC, SSC या फिर कोई भी वन डे एग्जाम की, एक दिवसीय परीक्षाओं की क्लास, जैसे कोई भी राज्य की पुलिस भर्ती हो, SSC हो, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर कंपटीशन की मैथ ज्वाइन करने के लिए ज्वाइन सी मैथ लिख करके भेज सकते हैं। सी मैथ मतलब कॉम्पिटिशन मैथ। अगर आप गणित को शुरू से सीखना चाहते हैं कक्षा 1 से, तो ज्वाइन JLM लिख करके व्हाट्सएप करें और क्लास को ज्वाइन करें, जिससे आपका कोर्स कंप्लीट हो सके और आप रेगुलर पढ़ सकें। जिन मित्रों को हमारी वजह से कोई समस्या हुई उनसे माफी चाहते हैं, लेकिन भविष्य में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखते रहिएगा आपका अपना PVR स्टडी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को इन्हीं बातों के साथ। जय हिंद, जय भारत। फिर से मिलते हैं अगली क्लास में एक नई ट्रिक के साथ।